बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। अगर आपने नया सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो उसकी अपॉइंटमेंट किस तरह लेंगे? अफसर से अब तरीका चेंज हो गया है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं अपने अफसर अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ। यूज़र आईडी और पासवर्ड लगाने के बाद हम अपना मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी जाएगा नोट, तो फ्रेंड्स ओटीपी जो है वो मुझे मिल चुका है, यहाँ पर इंटर करूँगा। ओटीपी इंटर करने के बाद हम लॉगिन कर लेते हैं। अब हमारा जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पे ओपन हो गया है। यहाँ पे माय सर्विसेज है, फैमिली मेंबर, व्हीकल्स और बाकी जो नीचे सबसे अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है। पहले हम यहाँ से अपॉइंटमेंट लेते थे, लेकिन आपने यहाँ पे क्लिक नहीं करना, यहाँ से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। अब तरीका चेंज हो गया, आपने माय सर्विसेज के ऊपर जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आपने ट्रैफिक वाले टैब को ओपन करना है। इसके बाद सबसे नीचे इशू ड्राइविंग लाइसेंस, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नई विंडो ओपन हो जाएगी, प्रोसीड टू सर्विसेज। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे हमारे सामने ये अपॉइंटमेंट का जो ये ऑप्शन शुरू हो गया, बुक का न्यू अपॉइंटमेंट आ गया, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसके बाद हमारे सामने इस तरह से नई विंडो ओपन होगी। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप गाड़ी चलाना आती है या बिल्कुल, या आप फ्रेश हैं। तो हमने पहले वाला जो टैब है इसके ऊपर क्लिक करना है, चेक लगाना है। और उसके बाद नीचे जो ड्रॉप डाउन बटन बना हुआ है, रीजन्स लिखा हुआ है, आपने रीजन्स के नीचे जो ड्रॉप डाउन बटन है यहाँ से अपना रीजन सेलेक्ट करना है। तो मैं जद्दा में रहता हूँ, तो हमारा जो रीजन है वो मक्का है, तो हम मक्का सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद हमने नेक्स्ट का देना है। जब हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने जितने भी जद्दा, मक्का, तैफ़ यानी इस रीजन में जितने भी दले हैं उनकी डिटेल आ जाएगी, नाम आ जाएगा। तो यहाँ से हमने एक अपना जो आपको नज़दीक लगता है दला, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं ये सेलेक्ट करूँगा मदरसा, और इसके बाद सेलेक्ट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ये सारी जो टाइम है ये बुक है, ये डेट आ रही है, दिन आ रहा है, और ये सारी अपॉइंटमेंट बुक है, यहाँ पे नॉट अवेलेबल है। तो आपने इसको इस तरह स्क्रॉल करना है, थोड़ा सा घुमाना है। तो ये जो खाली आ गए हैं इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लें। उसके बाद ये आपका टाइम, डेट, जो आपका दला स्कूल है वो सारी डिटेल, और इसके बाद आपने कंफर्म अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो बुक हो जाएगी। इस तरह से मैं अब कंफर्म अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो इसके बाद हमारी अपॉइंटमेंट है वो इस तरह से, इसका बुकिंग हमारे सामने आ जाएगी, जो टाइम होगा इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी अपॉइंटमेंट है, बुक हो गई है।